अच्छा तो हम हीरो यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर FYP एग्जीबिशन को अटेंड करेंगे। मैंने भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तकरीबन 10 तक आर्किटेक्चर मॉडल बनाए हैं और वेब 3.0 बनाए एक रियल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बाकियों ने भी इस तरह अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट की जो हमारी डिग्री है, इसमें डिफरेंट सी चीज़ें लोगों ने बनाए हैं। आप लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, जैसे VR AR वगैरह। चलो देखते हैं और रैंडम सी इंटरव्यू लेते हैं लोग फिर से। अच्छा तो साउंड और वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैंने मेरा प्लानिंग नहीं था, मैंने प्लान नहीं किया मैं वीडियो बनाऊँ, सॉरी इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बदरुल इस्लाम है और मेरी जो गेम है वो उसका नाम है वॉर। और ये पाकिस्तानी स्टोरी पे बेस्ड है एक गेम है, जिसकी स्टोरी जो है वो मैंने खुद लिखी है, उसके कैरेक्टर भी मैंने खुद डिजाइन किए हैं। कैरेक्टर इंस्पायर्ड है इससे, लोकल जो है हमारी फैंटेसी से। उसके अलावा ये गेम जो है ये क्लाउड बेस्ड गेम है। इस गेम को इसका जो बेसिक डेवलपमेंट है वो कंसोल के लिए है, और ये गेम जो है मोबाइल और PC पे एट अ टाइम खेली जा सकती है, जो इसका मेन एडवांटेज है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन है एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी के लिए, जिसमें हम कैमरा के थ्रू आप पर्सन के ऊपर स्कैन कर सकेंगे और वो 3D मॉडल जनरेट करके कहते हैं उस पर्सन के लिहाज से उसके ऊपर प्लेस करेगा, और उस ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो एक्यूरेट होगी और रियलिस्टिक होगी, जिसमें पर्सन वो मूव करेगा अपने आर्म्स, आपको मसल मूव करते हुए नजर आएंगे। उसके आप उसमें स्विच कर सकेंगे क्या कहते हैं स्केलेटन व्यू से मस्कुलर व्यू से, या वेन सिस्टम दिखाना है आपने, आर्टरी दिखानी है या नर्वस सिस्टम दिखाना है, तो आप मुख्तलिफ सिस्टम उसमें स्विच कर सकेंगे नियर रूम के अंदर। इससे आप स्टूडेंट्स को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे और भाइयों, हम अपना बना रहे हैं विजुअल नॉवल, और विजुअल नॉवल है 2D प्लेटफॉर्म बेस्ड गेम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस पे प्री प्रोडक्शन शुरू कर दी है, इस पे हमने कैरेक्टर सिलेक्टेड कर दिए हैं और हमने उनको फिक्शनल वर्ल्ड से उठा के नॉन फिक्शनल वर्ल्ड में रखा है, यानी कि नारुतो एक बहुत ही बड़ी एनिमेटेड सीरीज है। ओके नारुतो एक बहुत ही बड़ी एनिमे इंडस्ट्री और यानी कि एनिमे प्रोडक्शन है, जिसको हमने रखा है नॉन फिक्शनल वर्ल्ड में, कि हम वहां पे निंजास थे, स्पेशल पावर्स थी, अब यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल जैसे कि आप और मैं हैं। इसमें यह है कि हम उनको एक अच्छी सी स्टोरी दे रहे हैं, इट विल बी रोमांस, इट विल बी थ्रिलर, इट विल बी सो मच मोर एक्शन एंड व्हाट नॉट, बट इट विल बी अ स्टोरी बेस्ड गेम, इट विल गो स्टोरी बाय स्टोरी बाय स्टोरी, स्टोरी चलती जाएगी एक ड्रामे की तरह और एक तसलसल में, जिसमें आपके पास आ जाएंगी चेसेस, मिनीगेम्स एंड योर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर एक्शंस। अगर आपने एक चीज चूज की है और एक पाथ पे चले गए तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप दूसरा सिनेरियो चूज कर लेते हैं तो आपको बुरा एंडिंग मिल सकता है, अच्छा एंडिंग मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट यू, बट यू डू विद योर कैरेक्टर इज ऑल अप टू यू एंड यू विल लव इट, दैट आई प्रॉमिस यू। हमारा प्रोजेक्ट है वर्चुअल रियलिटी एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और फिजिकल एजुकेशन सिस्टम के दरमियान में जो गैप है, जो कि नो इंटरेक्टिविटी, नो इमर्जन एट ऑल, और स्टूडेंट्स सो रहे होते हैं वो लगा के क्लास ऑन करके, और टीचर को पता भी नहीं होता कि वो बस प्रेजेंट बोल के चला जाता है। टीचर कैन नॉट मेक श्योर द स्टूडेंट इज इंटरेक्टिंग और नॉट, और विजुअली प्रेजेंट और नॉट, सो टू फिल दैट गैप दैट्स वेयर वी कम इन। I am Abdullah Malik and I am the developer of MetaClass, and this is the designer and this is Umar Bajwa, modeler of MetaClass. So we have created a immersive environment, 3D environment, in which a student as well as a teacher can experience education at their home in a simulative environment.
सेम एज द रियलिस्टिक एनवायरनमेंट, सेम एज फिजिकल एजुकेशन. स्टूडेंट विल बी एबल टू वॉइस चैट विद ईच अदर, टीचर विल बी एबल टू शेयर मटीरियल एंड राइट समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, इट विल बी शोन टू द स्टूडेंट्स एज वेल. एंड टीचर, अ स्टूडेंट कैन पिक अप द वन कंट्रोलर एंड रेज द हैंड, टीचर विल सी द स्टूडेंट इन रेजिंग हैंड इन द ऑकुलस एनवायरनमेंट, इन द वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट. सो दैट्स वे आवर ऐप. थैंक यू सो मच. ये वीआर ड्राइविंग सिमुलेटर है, डिजाइन किया गया है. इसमें न्यूबी ड्राइवर इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, बजाय से कि वो ड्राइविंग स्कूल में जाएं और हफ्ती अमाउंट्स पे करें उनको, तो वो यहाँ पे घर बैठे आराम से ड्राइविंग सीख सकते हैं और उसके बाद गाड़ी मूव कर सकते हैं. तो ये इमर्सिव इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, वीआर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है सारा. इसके वजह स्क्रीन से भी चल सकता है और ये जो सिस्टम है सारा, ये यूजर को गाइड करता है कि उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. फॉर एग्जाम्पल ड्राइव करते हुए वो स्लो करना है, गाड़ी स्लो करनी है, यानी कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, तो वो यूजर को गाइड करता है गाड़ी स्लो करें और टर्न राइट करें और ऐसे सारा. तो ये बेसिक सिस्टम है. जी ये हमारा वी आर ड्राइविंग सिमुलेटर का प्रोजेक्ट है. इस पे हमने सारा व्हील का, पेडल का और गियर का सारी इंटीग्रेशन कर दी है और ये वी आर में चलता है, लेकिन अभी हमारे पास वी आर नहीं है तो हम टेस्ट नहीं कर सकते. बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि हम लोग फूड ऑर्डरिंग इंडस्ट्री को गेमिफाई कर रहे हैं. सपोज आपने अभी कुछ ऑर्डर करना हो, आप एक स्टैटिक वेबसाइट पे फूड पैंडा भी जाके ऑर्डर करते हैं. अगर आपको मौका दिया जाए आप 3D एनवायरनमेंट में घूम के अपना ऑर्डर प्लेस कर सकें और उस टाइम में जब तक आपका ऑर्डर आपके घर आ रहा है आप डिफरेंट गेम्स खेल सके, इंटरेक्शन कर सके, अपने टाइम को मीनिंगफुल बना सके. सो दिस इज आवर आइडिया. चलो कुछ ये दिखाते हैं लोगों को, बस वो शेरिया ना. तो इस वक्त हम मौजूद हैं. अरे कहाँ जा रहे हैं, आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ. नमाज पढ़नी है, वो आ रहे सर. एक सेकंड, तुम्हें क्या कहूँगा मैं, तो बस यही कहूँगा कि बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बच्चों ने यहाँ पर जो है ना अपना जो है FYP की एग्जीबिशन की. और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्जीबिशन दिस इज अ स्टार्टअप, तो यहाँ से जो है अपना स्टार्टअप ले सकते हैं और इसके अलावा जो है ना आप अपना आइडिया जो है ना वो मार्केट लेवल पे ले जा सकते हैं. तो मेरा तो यही मैसेज है कि मेहनत कर ले और अपने FYP 1 को स्पेसिफिकली जो है ना वो आगे लेके जाए. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार.